हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों ओएमआर सीट, जो कि आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ गए हैं और आज सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही कंफ्यूजन है कि हमें ओएमआर सीट को कैसे फील करना है। जो स्क्रीन आप देख रहे हो, इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जस्ट आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट्स मीन CBSE ने 17 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन स्कूल के प्रिंसिपल्स को सेंड किया गया है, जिसमें ये लास्ट समझ लीजिए कि लास्ट जो है वह गाइडेंस आपके स्टूडेंट्स के लिए भेजा गया है कि OMR को कैसे हम फील करें। तो आइए देखते हैं हम OMR को कैसे फील करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपका जो OMR मिलेगा आपको, वो OMR कैसा होगा, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर दिए रहेंगे। आप जैसा देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। साथ में है रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक। और फिर आता है स्टार वाला बॉक्स, दिस इज कॉल्ड स्टार बॉक्स। इस स्टार बॉक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स नीचे बने होंगे और ये हैज बॉक्स, यानी कि हैज बॉक्स क्या दिखाता है कि अन अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए इसमें सर्कल लगाने हैं। और ये जो आप देख रहे हो एरिया, ये एक तरीके से केवल गाइडलाइन के लिए यहाँ पर शो कर रहा है और ये आपका OMR पर दिया नहीं होगा, ठीक है ना। ये OMR पर मेंशन नहीं होगा। OMR पर क्या मेंशन होगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर, रिस्पॉन्स, स्टार एंड हैज, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें OMR कैसे फील करना है। OMR को फील करने का तरीका क्या है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है तो आप ए ऑप्शन को सर्कल कर रहे हो। ये जो आप ए ऑप्शन को सर्कल किए हो, ये आपका करेक्ट आंसर है और आपने इस करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग स्टार में क्या किया, ए लिखा। क्या लिखा स्टार में, ए लिखा। और ये जो कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, इसलिए हैज में फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैज में हम उन्हीं सर्कल को फील करेंगे जिस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, यहाँ पर ए जो है रिस्पॉन्स को फिल किया है, तो इसे हम क्या करेंगे, करेक्ट मेथड मानेंगे, ठीक है। करेक्ट मेथड मानेंगे अगर ए ऑप्शन आपने फिल किया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड क्वेश्चन नंबर में आपने ध्यान दिया कि आपने क्या किया है, गलती से बाय मिस्टेक आपने ए पर जो है सर्कल कर दिया, लेकिन तभी आपको याद आता है भाई कि ए जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, बी है। क्या है, बी। और आपने इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट आपने क्या किया, बी को जो है वह राइट आंसर में, यानी कि स्टार वाले बॉक्स में जिसमें आपको ऑप्शन लिखना कंपलसरी है, उसमें आपने क्या किया, बी ऑप्शन फिल कर दिया। जब आपने उसमें बी ऑप्शन फिल किया तो यहाँ पर आपका आंसर जो कंसीडर्ड होगा वो कौन सा आंसर कंसीडर होगा, बी ऑप्शन का आंसर कंसीडर्ड होगा। ऐसे केसेस में हम लोग बी को सही मानेंगे और ए वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप स्टार वाले बॉक्स में, इस वाले स्टार वाले बॉक्स में आप जो आंसर लिख रहे हो, उसी को एग्जामिनर क्या करने वाला है, कंसीडर करने वाला है आपका कॉपी चेक करते टाइम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या किया, ए को सर्कल किया, ठीक है, और बॉक्स में क्या लिखा, बी आपने लिख दिया। बॉक्स में क्या लिखा, बी। फिर आपने जो है वह बाय मिस्टेक क्या किया, हैज, जो कि किस लिए था, अनअटेम्प्टेड के लिए था। किसके लिए था, अनअटेम्प्टेड के लिए था, ठीक है ना। तो अनअटेम्प्टेड के लिए था, उसको आपने क्या किया, उसे आपने जो है इस्तेमाल कर दिया, ठीक। तो अनअटेम्प्टेड के लिए था लेकिन फिर भी आपने क्या किया, इसको यूज कर दिया। किसको, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जो है वह सी ऑप्शन यहाँ लगाया, ठीक है, सॉरी 3 में बी ऑप्शन लगाया आपने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब आपने बी ऑप्शन लगाया और आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा है यहाँ पे
अनअटेम्प्टेड को भी गोला कर दिया है ना, यानी अनअटेम्प्टेड को जब हमने सर्कल किया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आंसर विल नॉट बी इवेलुएटेड। ठीक है, यानी आपने पहला काम किया कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ए ऑप्शन लगाया, आपने स्टार में बी लिख दिया और बाई मिस्टेक आपने हैश बॉक्स को भी क्या किया, कलर कर दिया। तो अगर आपने हैश बॉक्स को कलर किया है यानी आपने अनअटेम्प्टेड को क्या कर दिया, कलर कर दिया है, और इस केस में क्या होगा, आपका आंसर जो है वह इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इस माइंड को सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए अनअटेम्प्टेड पे अगर आपने सर्कल कर दिया तो वो इवेलुएट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने क्या किया, आपने जो है वह 4 पे ए ऑप्शन टिक किया है, ठीक है ना। फिर आपको लगा कि नहीं यार बी होगा, बी होगा तो आपने क्या किया, बी पे भी टिक कर दिया। फिर आपको कन्फ्यूजन हुआ, आपने कट कर दिया, आपने सी को भी सर्कल कर दिया, आपने गलती से डी को भी सर्कल कर दिया और फाइनली आपने कहा कि नहीं अब मेरा आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। और आपने क्या किया, फाइनली स्टार वाले बॉक्स में सी आंसर लिख दिया। अब जो आपने आंसर सी लिखा है तो एग्जामिनर क्या करने वाला है, एग्जामिनर जो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में आंसर सी लिखा है उसी को कंसीडर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका चेक करेगा क्वेश्चन कि इन्होंने क्या किया है, सी को ही राइट आंसर मानकर काम किया है। इट्स ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे बच्चों कि आपने जो है वह किसी भी बॉक्स में करेक्ट आंसर नहीं फिल किया, लेकिन एक काम आपने किया, क्या कंफ्यूज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं सर्कल नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में लास्ट टाइम आता है कि यार मेरा आंसर डी सही होगा, क्या होगा, आंसर डी सही होगा। आपने क्या किया, आंसर डी पे जो है वह मार्क कर दिया। जब आपने आंसर डी पर मार्क किया बेटा तो इस आंसर डी को ही हम क्या मानेंगे, करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, आंसर डी को क्या मानेंगे, करेक्ट आंसर मानेंगे, और एग्जामिनर आपको डी को सही मानते हुए चेक करेगा। बाय मिस्टेक आपने किसी को भी सर्कल किया है, कट्टम कुट्टम लगा दिया उसमें, कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, एनीथिंग, लेकिन राइट बॉक्स में डी अटेम्प्टेड है तो डी को सही माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 में भी देख रहे होंगे कि आपसे गलती से क्रॉस हो गया, गलती से ऐसे क्रॉस हो गया, फिर आपने इसको सर्कल किया है कि नहीं मेरा आंसर क्या है, सी सही है, ये भी क्रॉस हो गया। फिर आपने स्टार में डिसाइड क्या किया कि मेरा स्टार में आंसर क्या होगा, सी होगा, तो एग्जामिनर क्या कंसीडर करने वाला है, आपका आंसर सी ही कंसीडर करेगा। यानी पूरा थीम क्या निकल के आता है इस बात का बेटा कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाए सर्कल करने में, रिस्पॉन्स में, तो घबराने की बात नहीं है, आपसे आप जो है स्टार वाले बॉक्स में आंसर जो है वो हमेशा करेक्ट आंसर लिखना। इसलिए जब भी आप OMR को फील करोगे तो जो स्टार वाला बॉक्स है इसको लास्ट में फील करना, जब आपके एग्ज़ाम के हाफ आवर बचे रहेंगे तब फील करना, क्योंकि उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा आंसर करेक्ट फील करना है। ये क्या था, टिप्स था, क्या था, टिप्स, कैसे हम एग्ज़ाम में बिना मिस्टेक किए हुए ठीक है सही आंसर दे दें। तो आप सर्कल कर लो, ओके है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम में हाफ आवर बचा रहा है तब आप रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में लिखना स्टार्ट करो, जिससे कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी एक तरीके से आप मान के चलो कि जो स्टार बॉक्स में मैं आंसर लिखूंगा वही आंसर कंसीडर किया जाएगा, सर्कल वाले आंसर केवल आपके लिए हेल्प करने के लिए हैं कि आप बॉक्स में राइट आंसर देख सको। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या बताया था कि आपका आंसर राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है, लेकिन आपने अगर अनअटेम्प्टेड में क्या किया, सर्कल कर दिया, तो वह एग्जामिनर आपका काउंट नहीं करेगा, वह एग्जामिनर आपका काउंट नहीं करेगा। आइए और नीचे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस की वैरायटी दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपने जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिखाई दे रहा होगा कि आपने सर्कल किया, फिर आपका कन्फ्यूजन था तो आपने इसको क्या किया, कट कर दिया, फिर आपने जो है राइट बॉक्स ए लिखा है तो ए विल कंसिडर्ड एज अ करेक्ट
करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसको हम करेक्ट मान के चलेंगे। ठीक, अब आता है आपका बेटा कि मैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आपको लेके जाता हूँ, ठीक है ना। 16 में जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने कोई भी सर्कल नहीं किया, भूल गए सर्कल करना, ठीक है, फिर भी आपने स्टार वाले बॉक्स में क्या लिखा, बी मेंशन कर दिया। जैसे ही स्टार वाले बॉक्स में बी मेंशन किया, क्या लिखा है, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ बी, और आपको क्या करना है, बी जो है वो सही करना है। ठीक है, अब यूनिक चीज क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 में आपने क्या किया, कुछ भी नहीं फील किया, कुछ भी फील नहीं किया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई जानवर जो है वो इन्फॉर्म करेगा कि क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने कोई सर्कल फील नहीं किया, इसमें कोई सर्कल फील नहीं किया है। ठीक है, ये एग्जामिनर इन्फॉर्म करेगा कि कोई भी आपने कोई सर्कल फील नहीं किया है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर कंसिडर नहीं होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग क्या किए हो कि सीधे अनअटेम्प्ट वाले पर आपने क्या किया है, सर्कल किया है अनअटेम्प्ट वाले पर। तो बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आपने अनअटेम्प्ट पे कंसिडर किया है तो यहाँ पर जो है वह क्या होगा कि आपका अनअटेम्प्टेड में काउंट किया जाएगा। ठीक, और सबसे फाइनल और ज़रूरी बात कि जो बच्चे क्या करने वाले हैं कि आपको पता होगा कि कुछ पेपर में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है तो 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमें 50 अटेम्प्ट करना है। लेकिन अकाउंट में क्या है कि अकाउंट में आपको जो है 45 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बच्चा क्या करता है, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने क्या किया, 1 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चन कर डाले, ठीक है ना, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड, क्या लिख दिया, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, ठीक है ना, आपने सारे क्वेश्चंस क्या किए, अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे बेटा तो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा ऐसे केस में जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप सारे क्वेश्चन क्या करोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, तो उस केस में हम पहले से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक, क्वेश्चन नंबर 45 तक ही आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद के क्वेश्चन भले ही आपके सही होंगे लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार रिकॉल कर देते हैं सारी चीज़ों को। सिंपल सा है कि अगर आप जो है आप अगर क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जो आप क्या करने गए स्टार वाले बॉक्स में फील करोगे उसी आंसर को कंसीडर माना जाएगा। जो आप अनअटेम्प्ट किए हो, अगर उस पर आपने सर्कल कर दिया अनअटेम्प्ट पे और आपने स्टार वाले में भी आंसर लिख दिया तो उसका इवेल्युएशन नहीं होगा, उसका इवेल्युएशन नहीं होगा, आंसर विल नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, दो पॉइंट्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो उस केस में जितने क्वेश्चंस का पेपर अटेम्प्ट नेसेसरी था, जैसे 60 में 50 अटेम्प्ट करना नेसेसरी था, तो 50 क्वेश्चन ही आपके कंसीडर किए जाएंगे, लास्ट के 10 क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे। तो ये था आपका ओएमआर का कन्फ्यूज़न। अगर आपको क्लैरिटी हो गई हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।